सो हेलो दोस्तों, दिस इज मिसल फ्रॉम एसएल अपडेट्स। और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर से मैं आपका वार्तालाप करूंगा और आपको जानकारी दूंगा कि किस तरह से आपके एग्जाम पैटर्न इस बार का रहने वाला है और किस तरह से आप लोग इफेक्टिवली एग्जाम को टैकल कर सकते हो। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज मंडल सर। और मनोज मंडल सर पहले SPM में पढ़ाते थे, बट फिलहाल स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में है और उनके पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाने का, स्पेशली SQL के बच्चों को पढ़ाने का। पिछले 7-8 साल से वो SQL के बच्चों से जुड़े हुए हैं और उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मनोज मंडल सर हमारे सारी क्वेरीज का आंसर दे सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका SQL अपडेट पे। नमस्कार। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो विचारधाराएं चल रही हैं, एक तरह से दो पैरेलली क्वेश्चन चल रहे हैं कि क्या ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक नया तरह का ट्रायल हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का यह मानना है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होने चाहिए और ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सर इसमें आपकी क्या राय है? बारे में ये कहना चाहता हूं कि ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके पीछे तर्क ये है कि एक तो ये अचानक आ गया है। क्या इस ये जो अचानक जो एक्टिविटी हुई है, इसके लिए क्या हम तैयार थे पहले से? क्या इसके लिए पहले ट्रेनिंग जानी चाहिए थी? और दूसरी बात ये कि क्या ये ऑनलाइन के लिए स्टूडेंट्स तैयार है, मेंटली तैयार है? और दूसरी बात, तीसरी चौथी बात भी कह सकते हैं, मैं दो तीन बात कह चुका हूँ ऑलरेडी। इसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारा कुछ इंटरनेट का कोई बहुत डाटा इसमें खपत नहीं होगा, वो भी अगर मान लेते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी तब क्या करेगा अगर किसी स्टूडेंट के पास एंड्रॉइड फोन ही ना हो। क्योंकि मेरे खुद के पास लगातार कॉल्स आ रहे हैं कि सर हमारे पास तो फोन ही नहीं है, तो क्या करेंगे? या सर तीन चार भाई बहन हैं तो वो और एक ही फोन है, तब क्या करेंगे? और वो जो टाइम पीरियड दिया गया है कि इतनी 1 घंटे के अंदर आपको वो फोटो खींचना है, कैम स्कैनर पे स्कैन करके PDF फाइल बनानी है, फिर वो फाइल को मेल करना है। ये जो स्टूडेंट गूगल पे सिंपली वेबसाइट को सर्च नहीं कर पाते हैं, गूगल पे जाके वेबसाइट को सर्च नहीं कर पाते, वो स्टूडेंट कैम स्कैनर पे जाएगा, PDF फाइल बनाएगा, फिर उसको मेल करेगा, तो ये क्या वो स्टूडेंट को कुछ पता नहीं है तो फिर वो कैसे करेगा? सारे स्टूडेंट तो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होते, इंटरनेट फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो उन स्टूडेंट के सामने ये समस्या आ सकती है। और बहुत से स्टूडेंट है जहां बिल्कुल ही कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट ही बिल्कुल नहीं है। 3 घंटे का एग्जाम होगा, 2 घंटे में वो लिखेगा, 1 घंटा उसको मिलता है, वो डाउनलोड करेगा क्वेश्चन पेपर और फिर उसको मेल करेगा। तो ये अगर उसका एक घंटा स्किप हो गया बाई चांस, नेट नहीं आ रहा है, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? और वो 1 घंटे के बाद अगर वो मेल करता है, वो 2 घंटे 3 घंटे बाद पहुंचता है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? इस बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ क्लियर नहीं कर पाया है, जो VC ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई इस तरह से क्लियरेंस नहीं है। सर इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को चेकिंग करने के लिए कोई ट्रेनिंग दी गई है या ओपन बुक एग्जामिनेशन बनाने की कोई ट्रेनिंग दी गई है? क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन इज मोर ऑफ एनालिटिकल टाइपिंग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन ना, उसमें आप नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे सकते, वरना बच्चा तो कहीं से भी लिख देगा उसे। तो क्या इस तरह की कोई ट्रेनिंग देके उन्हें गाइड किया गया कि आपको पेपर बनाना है, या सर बोल दिया गया कि आपको पेपर बना के देना है और आपने सबमिट कर देना है? देखिए, इस तरह की ट्रेनिंग देने के लिए तो उन्हें बुलाना पड़ेगा, उनको एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, या उनको कोई ऐसी इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी कि वो एक डेटा कलेक्ट करके फिर उसका एक वीडियो बना के उन सभी टीचर्स को दे, जो जिनको उन्होंने जो TICs हैं, सभी कॉलेजेस के TICs हैं, उनको उन्होंने ये जिम्मेदारी दी। क्या उनको ऐसा कोई वीडियो भेजा है कि आप ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाओ, या क्या उनको कोई सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया है कि आपको इस तरह से आइडियल क्वेश्चन पेपर तैयार करना है? तो ये सब किया ही नहीं है, और बिना ऐसा कुछ मैनेजमेंट के उन्होंने सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर बनाने को दिया है। अब क्वेश्चन पेपर कहाँ से, आउट ऑफ द सिलेबस तो दे नहीं सकते, और सिलेबस से दे देंगे तो बच्चा तो कहीं से भी लिखेगा, और वैसे भी सीधा सीधा उन्होंने लिख दिया है, DU ने लिख दिया है कि आप हेल्प बुक यूज कर सकते हो। हेल्प बुक यूज कर सकते हैं, बच्चे कंफ्यूज है। मेरे से कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये तो हम पूरी कोई भी नकल करके कुछ भी करके पास हो जाएगा, तो उसकी कोई मैनेजमेंट है क्या, कोई प्लेगरिज्म टैकर है क्या जो नकल पकड़ सके, कोई जो बच्चों की नकल को पकड़ सके? और अगर नकल पकड़ेगा तो सारे बच्चे ही फेल हो जाएंगे, क्योंकि घर में बैठे जो सोचने वाली बात है कि हम एग्जाम हॉल में ही नकल करने लगते हैं, जहां पे ऑब्जर्वर होता है, सब कुछ होता है, इन्विजिलेटर होता है, घर पे तो हम सारी किताबें खोल के बैठ जाएंगे, तो ऐसे में हर स्टूडेंट फेल हो जाएगा।
चार पांच लाइन भी अगर वो चार, अब रूल तो ये है प्लेगरिज्म के कि अगर चार लाइन पकड़ लेता है तो वो कॉपी माना जाएगा, चीटिंग मानी जाएगी, इसका भी नहीं है। और स्टूडेंट से ये उम्मीद करना कि आप पढ़ोगे फिर उसको पढ़ने के बाद अपना खुद का लैंग्वेज में लिखोगे, तो चार क्वेश्चन दो घंटे में, एक क्वेश्चन दो घंटे में करेगा, फिर बाकी उसके तीन क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि स्टूडेंट जो है वो रह जाए, पीछे रह जाएगा। तो यही सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बच्चा घूम रहा है, स्टूडेंट घूम रहा है, उसको कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, वो इधर उधर दूसरे टीचरों के पास। अच्छा, टीचरों के पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे एक स्टूडेंट ने फोन किया कि सर एक टीचर ने कहा है कि आप जो है वो पूरी बुक देख के अब नकल करके पास कर सकते हो, तो ये भी एक फैल रही है बच्चों के अंदर। बिल्कुल ठीक बात सर, इसमें चीटिंग का तो एक बड़ा इशू है, क्योंकि अभी जो गाइडलाइंस आई थी ओबीई के ऊपर उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है कि हम आपसे चीटिंग को लेके एक शपथ पत्र साइन करवाएंगे, एक ऑनलाइन शपथ पत्र होगा जिस पे आप साइन करेंगे कि मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। तो अब ये कितनी फॉर्मेलिटी है अपने आप में और कितनी, क्योंकि घर में बैठा हुआ कोई भी शख्स चीटिंग नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी ले सकता है कोई भी। तो सर एक तो सबसे इसमें क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको कुछ आइडिया है कि एग्जाम पैटर्न कैसे रह सकता है, क्योंकि जो बोला गया वो बोला गया 6 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, पहले नॉर्मल एग्जाम में आप 8 में से 4 करते थे, बट अब आपको 6 में से 4 करनी है, तो क्या एग्जाम पैटर्न में जो क्वेश्चंस हैं उसका वे चेंज होगा आने का, या फिर वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जैसे हमेशा आते हैं? इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि वो मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं है। इसमें ये हो सकता है कि वो कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन दे, जैसे कि आपने भी कहा था कि सीधे क्वेश्चन दे देंगे तो वो तो बच्चा चीटिंग कर लेगा, इस थोड़ा एनालिटिकल हो सकता है, जैसे किसी का थॉट हो सकता है, कोई थिंकर है उसने एक स्टेटमेंट दी है, उसकी कोई स्टेटमेंट उठाकर वो पूछ ले कि इसका एनालिसिस करो, जैसे कि मार्क्स ने कहा है नेसेसरी एविल, राज्य जो है वो एक तो मार्क्स के इस स्टेटमेंट को जो है क्लियर करने के लिए बोला जा सकता है कि इसको इसको एक्सप्लेन करो, इसको क्रिटिकल इवैल्यूएट करो, इसको इवैल्यूएट करो, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, कोटेशन आ सकते हैं, जैसे कि रॉल्स का जो प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी प्रोसीड्यूरल जस्टिस है उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देकर ऊपर आंसर मांग सकते हैं कि आप इसको आंसर दो, तो बच्चा थोड़ा सा जिसने पढ़ रखा है, जिसने पूरे साल पढ़ाई की है वो तो लिख देगा, लेकिन जिसने थोड़ी कम पढ़ाई की है और खासतौर से एसओएल का स्टूडेंट जो है वो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जॉब भी करते हैं, तो जॉब करते हैं तो फिर उनको टाइम मिलता है, और जिन्होंने क्लासेस भी कम ली हुआ जो 20 क्लास मिलती है, तो वो स्टूडेंट इसको लिख नहीं पाएगा और वो कॉपी करने की कोशिश करेगा और शायद उसको कॉपी करने के टाइम पे मटेरियल ना मिले, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें उसको ज्यादा दिमागी कसरत करनी पड़े और उसे बुक से कुछ मिलेगा नहीं, के क्वेश्चन आ सकते हैं। और दूसरे 6 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, टाइम को घटा दिया गया है, ये भी ध्यान में रखना है कि 3 घंटे से 2 घंटे कर दिया गया। अब 2 घंटे के पेपर में आमतौर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5 क्वेश्चन में से 3 करने होते थे पहले, तो लेकिन उन्होंने 6 क्वेश्चन में से 4 कर दिए, तो 1 क्वेश्चन को बढ़ाया है, तो एक बढ़ा दिया गया है, 5 में से 3 था तो 6 में से 4, ये इस तरह से मान सकते हैं इसको, तो इस ये ओके सर इसमें फिर बच्चे के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो पढ़े कहाँ से, क्योंकि अब तक ज्यादातर एसएल के बच्चे 10 ईयर का इस्तेमाल करते हैं, और ये बात हकीकत है, चाहे कोई उसको माने इत्तिफाक रखे या ना रखे, बहुत सारे बच्चे 10 ईयर और जो छोटी गाइड्स आती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और ये एक समस्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो ऐसे समय में जब एक नए तरह की बिल्कुल प्रणाली इस्तेमाल की जा रही है एग्जामिनेशन की, ऐसे में वो बुक कितनी इस्तेमाल में आएंगी, और दूसरी बात फिलहाल बच्चा क्योंकि अभी 1 महीना है उनके पास, तो उसमें क्या सोर्स का इस्तेमाल कर सकता है वो पढ़ने के लिए, ताकि एटलीस्ट वो पास तो कर जाए, क्योंकि अभी तो फिलहाल पास होने का भी सिस्टम समझ में नहीं आ रहा बच्चों को। इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो 10 ईयर किंग पासपोर्ट चैंपियन, ये स्टूडेंट खूब यूज करता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते, हम भी नहीं करते, ये खूब इस्तेमाल करता है, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनपे एक तो इनका कोई राइटर होता नहीं है, ये बिल्कुल या कहीं आर्टिकल में से उठा लेते हैं, न्यूज में से भी उठा लेते हैं, ये किसी जैसे हम हो गए या हमारे और भी टीचर फ्रेंड्स हैं उनके जो नोट्स हैं उसको भी ये लोग हूबहू लिख देते हैं, पूरा छाप देते हैं, तो मैं इनसे बचने के लिए स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। अब दूसरी बात ये कि ये पढ़े कहाँ से, तो पढ़ने के लिए एसओएल ने स्टडी मटेरियल बहुत दे दिया है, उनके वेबसाइट से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, और
एसओएल की वेबसाइट से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं और एसओएल जाके जो ऑफिस है सीधा हाथों हाथ वो मटेरियल देते हैं। ये कि जो टीचर है टीचर क्लास में भी पढ़ाते टाइम वो अपने कुछ स्टडी मटेरियल भी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मैं अपने प्रोवाइड कराता हूँ अपने खुद के लिखे हुए भी आर्टिकल वगैरह कहीं मैं उसके साथ शेयर करता हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट जैसे मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले या क्लास के एक दो क्लास के दौरान स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि आप इस राइटर की बुक पढ़े उस ऑथर की बुक पढ़े। तो इस तरह से हम एक ऑथर की बुक बच्चों को भी दे देते हैं कि आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स के पास बहुत सारा मटेरियल आ जाता है। लेकिन स्टूडेंट वो छोड़ के क्योंकि एसएल के मटेरियल को पढ़ने के लिए उसे क्लास भी लेनी पड़ेगी टीचर को भी सुनना पड़ेगा तो वो अच्छे से एसएल के मटेरियल को बच्चे कुछ बच्चे शिकायत भी करते हैं कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। तो टफ लैंग्वेज को इजी करने के लिए उसे टीचरों के साथ संपर्क करना पड़ेगा यानी कि उसे क्लास लेनी ही पड़ेगी तो वो उससे फायदा ऑथर की बुक्स उसको लेनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट को पढ़ना है पढ़ना है ऐसा नहीं है कि एसओएल में पढ़ने से वो आगे नहीं पढ़ सकता। एसओएल में पढ़ के भी आईएएस बन सकता है प्रोफेसर बन सकता है बहुत बड़े बड़े पदों पर वो जा सकता है लेकिन उसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना होगा। उसे अच्छी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एसओएल की बुक के साथ साथ इंटरनेट पे भी जाके बुक पे भी जाके सर्च करना होगा टॉपिक को टीचरों के बताए हुए रास्ते पे भी होगा तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं उसमें। बिल्कुल ठीक बात सर। तो इसमें सर अभी जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट के एक मंथ में पढ़ते हैं और अभी तो इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी थी कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो बताते हैं कि सर क्वारंटाइन में इतनी हालत खराब हो गई तो मेंटल स्ट्रेस इतना आ रहा है रोज कुछ ना कुछ न्यूज में आ रहा है डेली और उसकी वजह से रोज आज पढ़े ना पढ़े बच्चे बिल्कुल ही परेशान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या लास्ट एक मंथ की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बच्चों के पास कि वो अपना ओटीबीए ठीक से दे पाए या जो भी एग्जाम होने वाला है क्योंकि अभी हम कह नहीं सकते अभी भी बहुत हद तक अनसर्टेनिटी है। मैंने सुना है कि हाई कोर्ट में केस गया है और बहुत सारी चीजें लेकिन फिर भी एग्जाम हम मान के चल रहे हैं कि जुलाई में हमारा ओबीटी है जो भी है उसके लिए लास्ट की एक मंथ की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है सर। सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती है बहुत सारी आपदाएं आती है जिंदगी में अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता है लेकिन इंसान को मानसिक तौर से शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये COVID-19 आ गया ये कोरोना वायरस ये आ गया ये ना आता कुछ और आ जाता कई बार कोई स्टूडेंट बीमार पड़ जाता है या कई बार एग्जाम का डेट खिसक जाता है आगे या पोस्टपोन भी हो जाते हैं तो इन सब चीजों के लिए हम तैयार रहते हैं। उसी तरह से कोरोना वायरस है और जो भी है ये एग्जाम 2-3 महीने आगे खिसक गया है एक बच्चे के मानसिकता के मनोबल के ऊपर असर पड़ता है मानसिकता के ऊपर असर पड़ती है। हम टीचर्स भी जो है इस दौर में जो है क्या करें ना करें बहुत ज्यादा कुछ सोच नहीं पाते हैं तो स्टूडेंट तो फिर भी लड़खड़ा जाएगा उसका मेंटली वो तैयार नहीं है वो बेचारा उस वैसे भी परेशान है और एग्जाम की तैयारियां को लेकर परेशान है और बीमारियों को लेकर परेशान है और उसको भी कहीं कोरोना वायरस ना हो जाए इसका भी चिंता है। तो आखिरी समय में ये तैयारी उसको करनी चाहिए कि सब कुछ भूल कर उसे ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा तो एग्जाम है और एग्जाम आज नहीं तो कल होगा ही होगा चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम तो होगा। तो सबसे पहली चीज उसको एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। एग्जाम जो है वो सिलेबस है जो आप उनका सिलेबस है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन बाहर से तो आएगा नहीं ये तो बच्चों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्वेश्चन आएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग और वो क्वेश्चन उसी किताब में से ही आएगा सिलेबस में से ही आएगा और तैयारी मेंटली टफ रहना पड़ेगा उसको इसके लिए खुश रहे हैप्पी रहे तो वो मेंटली तैयार रहेगा इस सिचुएशन को फेस करने के लिए। कोरोना के साथ साथ एग्जाम को भी उसको फेस करना है दो चीजें फेस करनी तो इसके लिए मेंटल टफनेस बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट बहुत इजीली तैयार अब आखिरी समय में कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसके एसओएल के स्टडी मटेरियल निकालेंगे और जो टीचर उसको पढ़ाते थे उन टीचरों को वो कांटेक्ट करेंगे उसके पास कांटेक्ट नंबर है तो वो मेल के जरिए व्हाट्सएप के जरिए फोन कॉल के जरिए वो बात करें। और दूसरा एसओएल ने वेबसाइट एसओएल बहुत बढ़िया काम कर रहा है एसओएल ने अपने वेबसाइट पे बहुत सारे नंबर दे रखे हैं और ऑनलाइन वो क्लासेस भी कर रहे हैं तो बच्चे सीधा उनसे सवाल भी कर सकते हैं कि हम कैसे क्या करें ये चीज। और एक स्ट्रेस को कम करने का सुझाव है कि एसओएल को मेरा सुझाव है कि स्ट्रेस को कम करने के लिए वो सभी बच्चों के साथ एक वेबिनार टाइप करे और उस वेबिनार में बच्चों को जोड़े और उनको बोले कि कोई गम और आप अपना एग्जाम की तैयारी करो और बिल्कुल ये ऑफलाइन की तरह ही हम उसको ट्रीट करेंगे ऐसा हुआ नहीं है। इस तरह से करके अगर एसओएल जो है बच्चों को इकट्ठा करके एक जगह पर एक सेमिनार जैसे सेमिनार होता था वैसे वेबिनार करके तो बच्चे में कॉन्फिडेंस जैसे आ जाएगा फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा।
मेन बात है बच्चों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, तभी कोई चीजें सॉल्व हो सकती हैं। जी सर आप पॉलिटिकल साइंस के टीचर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस का बच्चा अपने क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम कैसे करे? बच्चों में बहुत ज्यादा परेशानी है कि रेगुलर में हमें गाइडेंस मिलती रहती है, जो रेगुलर के स्टूडेंट होते हैं उन्हें लगातार टच में रहते हैं, उन्हें गाइडेंस मिलती रहती है। एक एसक्यूएल का बच्चा सबसे ज्यादा जो लैक करता है मेरे हिसाब से कि वो जितना भी जहां से भी पढ़ रहा है उसके बावजूद वो क्वेश्चन की आंसर जब फ्रेम करता है तो उसमें बहुत लैक करता है। आंसर को फ्रेम कैसे किया जाए और एक पॉलिटिकल साइंस का अच्छा आंसर मैं कैसे लिख सकता हूं कि मेरे मार्क्स इंप्रूव हो? हाँ, इस बारे में मेरे पास भी बहुत सारे सवाल आते हैं और आपके माध्यम से मैं आज स्टूडेंट्स को ये कह देना चाहता हूँ, समझा देना चाहता हूँ कि जब भी वो कोई आंसर लिखते हैं तो आंसर लिखने से पहले उन्हें सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना चाहिए। एक तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है जैसे कि राज्य किसे कहते हैं, ये हो गया एक सिंपल सा क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ गया तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य पर मार्क्स के क्या विचार थे, ये दो क्वेश्चन हो गया। दरअसल ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन हो गया, दो पार्ट क्वेश्चन का, दो पार्ट होने का मतलब फिर ये 20 नंबर का क्वेश्चन 10-10 में बट गया। अच्छा, यही क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य के मार्क्स ने क्या विचार दिए और मार्क्स के आलोचना की। अब ये हो गया एक ही क्वेश्चन में तीन पार्ट के मतलब या 7-7-6, तो ये इस तरह से 3 क्वेश्चन हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, कई बार स्टूडेंट एक ही पार्ट लिखता है कि राज्य किसे कहते हैं, फिर वो मार्क्स ने क्या कहा या मार्क्स की आलोचना नहीं लिखता है, तो यहाँ उसके मार्क्स कट जाते हैं। वो ये सोचता है घर जाके जब उसके पास रिजल्ट आता है तब वो सोचता है कि मैंने तो 7-8 पेज लिखे थे तो मेरे नंबर कैसे कम आ गए। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन का एक पार्ट लिखा, बाकी दोनों पार्ट उसने नहीं लिखा, इसलिए मार्क्स उसके कम हो गए। अब दूसरा, अच्छा क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करें? तो एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन एक क्वेश्चन अपने आप में एक स्टोरी होती है, अपने आप में एक फिल्म होती है, अपने आप में एक पूरी कहानी होती है। अब उस कहानी को शुरू से एक कहानी है, एक क्वेश्चन है, उस को डिफाइन भी करूंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि अरस्तु के जो है वो नागरिकता के ऊपर अपने विचार, तो सबसे पहले के बारे में लिखते, उसके बाद नागरिकता को थोड़ा डिफाइन करना चाहिए कि नागरिकता सिटीजनशिप किसे कहते हैं। एक तो एंशियंट टाइम में अरस्तु ने नागरिकता पर क्या कहा था, वो एक अलग ही विचार है, और आज के मॉडर्न टाइम वो एक अलग टाइप का। इस बार इस चीज को अगर स्टूडेंट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे तो वो क्या है ना, एक आउटलाइन तैयार हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन एक इंट्रोडक्शन होता है, उसका एक पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, उस इंट्रोडक्शन में पूरे आप क्या लिखने वाले हो, क्या बताना चाहते हो, वो एकदम क्लियर कर दोगे तो एग्जामिनर पढ़ेगा तो वो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट आखिर में लिखना क्या चाहता है। एग्जामिनर को ये पता चलना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जामिनर को शुरू में 2-3 लाइन पढ़ते ही उसे पता चलना चाहिए कि स्टूडेंट को स्टूडेंट तैयार था इस क्वेश्चन को लिखने के लिए, स्टूडेंट आगे जो लिखेगा वो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये सच्चाई है कि एक एग्जामिनर कोई भी हो, मैं खुद भी, मैंने भी पेपर चेक किया है, तो हम कोई भी सारा का सारा नहीं पढ़ते हैं, पूरे कॉपी को एक लाइन के सब नहीं पढ़ते हैं, उसमें हम बहुत सारा तो काफी कुछ पढ़ते हैं और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, तो अंदाजा लग जाता है कि स्टूडेंट ने किस तरह से लिखा होगा। अब एक बुकलेट को 7-8 एक्स्ट्रा शीट भी लगी होती है, तो उसको अगर हम चेक करेंगे, हमें टाइम फ्रेम दिया होता है, हम सारा चेक करके देख सकते हैं अगर एक एक वर्ड पढ़ेंगे, फिर भी हम काफी कुछ पढ़ते हैं और हमें आइडिया लगता है कि उसने किस तरह से लिखा है। तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद उसको फिर एक्सप्लेन करना होता है कि ये पूरी बात क्या है। अरस्तु ने नागरिकता के बारे में, हम जैसे कि क्वेश्चन ले लिया इसको, तो अरस्तु ने नागरिकता के बारे में क्या कहा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे हम कि उस समय नागरिकता ये था, एंशियंट टाइम्स में नागरिकता ये था, एथेंस में ये रूल था, करना होता था, उस समय डेमोक्रेसी लिमिटेड थी, कुछ लोगों तक लिमिटेड थी, राजा और उसके जो पदाधिकारी थे उन तक ही लिमिट था, या केवल वो लोग जो स्टेट को कंट्रीब्यूट करते थे या स्टेट के डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन देते थे, केवल उन लोगों को नागरिक माना जाता था और बाकी लोगों को नागरिक नहीं माना जाता था, जैसे महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, यानी कि जो भी अनप्रोडक्टिव थे उनको, जो प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं थे उन सिटीजन नहीं माना था। तो ये इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा, थॉट्स को इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा, और लास्ट में एक कंक्लूजन देने से पहले, उसको एक कंक्लूजन देने से पहले एक क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा, एक थोड़ा सा आलोचना कि उस समय के नागरिकता और आज के नागरिकता में क्या डिफरेंस है, इसको लेकर एक क्रिटिकल एनालिसिस
थोड़ा सा देखें, फिर लास्ट में एक आधा पेज कॉन्क्लूजन उसे देना होगा कि एरिस्टोटल का जो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था वो था और उनका ये क्रिटिक्स था और ये वो फिर भी अरस्तु आज के समय में भी वो थोड़ा रिलेवेंट है, इस तरह से करके कॉन्क्लूजन, तो एक क्वेश्चन को इस तरह से पार्ट करना होगा। और दूसरी बात, क्वेश्चन भी कई तरह के आते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह में आते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले आते हैं, कुछ क्वेश्चन एनालिटिकल उसमें आते हैं कि इसका निष्कर्ष निकालो, इसका मूल्यांकन करो, इसका विस्तृत चर्चा करो, इसको व्याख्या करो, इसका विश्लेषण करो, इस तरह के क्वेश्चन। उस क्वेश्चन किस तरह से आया है, स्टूडेंट क्या करता है कि क्वेश्चन कैसा भी आया हो वो स्टार्ट कर देता है, तो स्टार्ट नहीं कर रहा है, समझना होगा पहले क्वेश्चन को, समझना होगा क्वेश्चन आया कैसे। अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लास्ट में तो फिर उसको इंट्रोडक्शन लिखने के साथ साथ उसको एक्सप्लेन करते हुए लास्ट में क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए फिर उसको कंक्लूड करना होगा उसको। लेकिन अगर डिबेटेबल वे में आया है तो उसको तर्क करना होगा, उससे और भी थिंकरों के साथ कंपेयर करते हुए आगे बढ़ना होगा और फिर उसको जस्टिफाई कर, क्वेश्चन पूछा है कि आप इसमें सहमत हो, कुछ क्वेश्चन एग्री करने या डिसएग्री करने वाले टाइप के आते हैं तो उसे स्टूडेंट को अपने व्यू देना चाहिए और दूसरे थॉट थिंकर्स के व्यू भी उसमें लिखना चाहिए। लेकिन ये स्टूडेंट तब कर पाएगा जब उसने थोड़ा क्लास वगैरह लिया हो, थोड़ा स्टडी मटेरियल उसने पढ़ा हो या टीचरों से उसने गाइडेंस मिली, एक महीने के अंदर कि वो जितना हो सके अब पढ़ाई स्टार्ट कर दे, जितना हो सके खूब पढ़े वो और सारा सिलेबस वो रिपीट कर ले, रिवाइज कर ले वो। सर इसमें एक जो मैं क्वेश्चन के बारे में आंसर अब पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये बहुत, ये क्या जरूरी है कि हम जो आंसर लिख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा टफ लैंग्वेज में होना चाहिए या बुक के हिसाब से, कि बुक में तो बहुत टफ लैंग्वेज इस्तेमाल होती है और बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल होते हैं, क्या जरूरी है मैं उसमें लिखूं या मैं अपनी सरल भाषा में जो मेरी समझ बनती है उससे उसे पढ़ने के बाद वो मैं लिख सकता हूं? हाँ, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि कोई स्टूडेंट अगर आंसर लिख रहा है तो उसको बिल्कुल वैसा आंसर लिख दे वो टफ लैंग्वेज जिस तरह से ऑथर अपने बुक में लिखते हैं या स्टडी मटेरियल एसवेल का प्रोवाइड वो उसका कॉपी करेगा, तो दरअसल ये कोई कामयाब चीज नहीं हो पाएगी और ओबीई में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ओबीई में उसे तो अपना व्यू जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा, अपना आइडिया, अपना खुद का विचार उसको प्रस्तुत करना है। मतलब टीचर ये जानना चाहता है कि इस बात में स्टूडेंट की समझ कितनी है, स्टूडेंट कितना समझता है, ये तो ऑफलाइन में भी हम जांचते थे कि स्टूडेंट ने अपने लैंग्वेज में कितना कुछ लिखा। तो लैंग्वेज आसान हो, इजी हो, ये कभी भी रुकावट नहीं बनता है, स्टूडेंट को अपना व्यू क्लियर करना है, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को इजी वे में या वो जैसा भी समझता है वो हमें समझा दे, एग्जामिनर को वो अपनी बात समझा दे। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि अगर वो इजी लिख रहा है तो एकदम सड़क छाप भाषा भी नहीं लिख सकता है कि आम बोल चाल की भाषा जो वो लोग बातें करते हैं बिल्कुल वैसा भी नहीं लिख सकते हैं। अगर स्टूडेंट का स्टैंडर्ड होता है, अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, तो उसे थोड़ा एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन होगा, वो बिल्कुल कठिन शब्द ना भी लिखे लेकिन उसे एक मर्यादित शब्दों में लिखना होगा आंसर अपना, क्योंकि वो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, स्कूल का स्टूडेंट नहीं है, स्कूल में जैसे तैसे चलता रहा, पार्लियामेंटेरियन शब्द जिसे कहते हैं कि संसद में जिस तरह से बातचीत होती है उसी लैंग्वेज में आसपास थोड़ा सा इजी किया जा सकता है, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको आसान नहीं किया जा सकता है। जैसे राजनीति को राजनीति भाषा नहीं लिख सकते हैं कि, और बच्चों को हिंदी लिख रहा है तो वो हिंदी मीडियम में ही पूरा लिखना चाहिए, और अगर वो इंग्लिश लिख रहा है, इंग्लिश कर रहा है, तो उसे इंग्लिश मीडियम में ही लिखना चाहिए। वो कुछ स्टूडेंट जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश में भी बात कर देते हैं और हिंदी में भी बहुत कुछ बोलते हैं, तो बच्चों को एक ही लैंग्वेज क्योंकि अगर लिखना है तो पूरा हिंदी में ही लिखना है, और थोड़े अच्छे शब्द उसको इस्तेमाल करना भी चाहिए, आगे के लिए भी उसके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक बात सर। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी फर्स्ट और सेकंड ईयर का अभी भी कुछ नहीं पता है, अभी ये कह रहे हैं कि 5 जून तक कोई नोटिस निकालेंगे, सर आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चों को फिलहाल प्रमोट करना ठीक रहेगा या रुक के उनके एग्जाम लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है और 2/3 जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर में आते हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे तो वो हैं जो 12th से अभी भी निकल के आए हैं, और फिर जिसमें जैसे हमारे शिक्षा मंत्री का भी जो एनडीटीवी पे इंटरव्यू आया था उन्होंने कहा कि उन्हें हम इंटरनल मार्क्स और लास्ट ईयर के मार्क्स के बेस पे उन्हें पास करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में रेगुलर का तो चलो 1% सोच भी लेते हैं कि अगर उन्हें प्रमोट कर दिया जाए, एसएल के बच्चों को इंटरनल नहीं होता और खासकर जो फर्स्ट ईयर के उनके पास कोई बैक के मार्क्स नहीं है,
तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि किस तरह से आगे फॉलोअप लिया जा सकता है इन बच्चों का? हाँ, मैं एक टीचर के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे कभी भी नहीं चाहूंगा कि किसी को, स्टूडेंट को यही बिना परीक्षा दिए प्रमोट कर दिया जाए, या उनका कोई एक एक पहलू को देखते हुए या पिछले साल के मार्क्स को देखते हुए वही रिपीट कर दिया जाए। मैं एक टीचर हूँ और मैं यही चाहूंगा कि स्टूडेंट पूरे साल पढ़ने के बाद वो ये भी साबित करे कि वो कितना सक्षम है, कितना योग्य है, वो अपनी योग्यता का परिचय दे और एग्जाम में बैठे। तो ये एक बहादुर योद्धा वही होता है जो मैदान में आता है, लड़ता है और साबित करता है कि उसमें कोई बात है, या उसकी पुरानी वीर गाथा को सामने रख के उसे जीता विजेता घोषित कर दिया जाए, तो ये भी ठीक चीज नहीं है। लेकिन क्या करें, सरकार के सामने भी, यूजीसी के सामने भी, विश्वविद्यालयों के सामने भी चुनौतियां हैं। अब इस चुनौती से भी निपटना है। अगर ये बढ़ता चला गया, लॉकडाउन बढ़ते जा रहे हैं या समस्याएं वैसी की वैसी रही, तो कोई रास्ता तो निकाल। ये भी नहीं कर सकते कि एक स्टूडेंट को 3-4 साल तक, 1 साल तक, 2 साल तक होल्ड पे रखे कि तुम लोग रुक जाओ, उनको भी बहुत सारे एग्जाम की वो, उनके भी सपने हैं, अरमान है, उन्हें वो भी टारगेट पूरा करना है। तो लेकिन ये SOL के स्टूडेंट के साथ ये इंटरनल, अगर ये कुछ इंटरनल सिस्टम शुरू कर दिया जाए कि आप उनके इंटरनल एग्जाम हो जाए, असाइनमेंट सिस्टम अगर आ जाए, अभी भी ये लॉन्च करने का हो सकता है। SOL एक दो दिन में ये भी कह दे कि इंटरनल असेसमेंट होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो अगर ऐसा होता है तो वो हम क्या कह सकते हैं, तो प्रशासन करेगा जो भी करेगा, लेकिन एग्जाम होने चाहिए हमारे हिसाब से। इनका भी ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, थर्ड ईयर का हो रहा है तो इनका भी ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, सबको एक मौका मिलेगा। और अगर अच्छा, मेरा सुझाव ये भी है कि इस तरह से एग्जाम के साथ साथ, इंटरनल एग्जाम के साथ साथ, इंटरनल असेसमेंट वगैरह के साथ साथ, इनको एक मौका ये भी मिलना चाहिए कि वो ऑफलाइन भी एग्जाम दे सके, सेंटर पे जाके भी। जो ऑनलाइन दे सकते हैं वो ऑनलाइन दे दें, और जो ऑफलाइन चाहते हैं जिनके पास मोबाइल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो कॉलेज जाके या यूनिवर्सिटी जाके, वहां जाके वो सेंटर पे जाके एग्जाम दे सके, अगर ये करें। क्योंकि अगर एक भी बच्चा छूट गया ये इंटरनेट और ये ऑनलाइन और ये वो उसके चक्कर में, अगर एक भी बच्चा छूट गया एग्जाम देने से, तो पूरा पूरा हमारा जो शिक्षा सिद्धांत है, शिक्षा की जो हमारे जो विचार है, हम जो चाहते हैं कि सबको शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान जिसे कहते हैं, सब इस सिद्धांत को झटका पड़ेगा। अगर एक भी बच्चा रह जाता है तो ये पूरा हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा, अगर एक भी बच्चा रह जाता है। तो प्रशासन जो भी करे, ये सोच कर करे, स्टूडेंट का हित सबसे ऊपर रखते हुए सोच के चले। अगर ये लगता है कि ये ऑनलाइन में पॉसिबल, तो ऑफलाइन कराने का वो कोशिश करना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी मेरे हिसाब से एग्जाम तो लेना चाहिए। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और मुझे लगता है कि जितने भी बच्चों के क्वेश्चन रहे होंगे उन सबका आपने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया है, और आई होप बच्चों की बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हुई होगी। क्योंकि सर मैं तो इतने जवाब नहीं दे सकता, अपनी तरफ से भी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप जैसे लोग जो इस फील्ड में काफी टाइम से वर्क कर रहे हैं और जिनके पास थोड़ी सी ऑथेंटिक नॉलेज होती है, वो बच्चों के सामने डायरेक्टली आए, और आपका इंटरव्यू कई हजार बच्चे देखने वाले हैं, तो उन तक कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट पहुंचेगा, ताकि वो फिर आगे हजारों तक इंपैक्ट पहुंचा सके। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इंटरव्यू में आने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि SOL अपडेट के साथ आप जुड़े रहेंगे, और इन फ्यूचर जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो आप जरूर आएंगे। सर हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप ये अभी जो समय में आपत्ति विपत्ति है हमारे कोरोना वायरस की, COVID-19 की, तो आप इससे डरे नहीं, घबराए नहीं, और एग्जाम की तैयारी करें, और अच्छे से तैयारी करें। अभी 1 महीने का टाइम है, और खूब मन लगा कर पढ़ाई करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।